विदेश जाना आज की डेट में मुझे लगता है हर तीसरे व्यक्ति का सपना होता है। कोई पढ़ने के लिए जाना चाहता है तो कोई नौकरी के लिए जाना चाहता है। अगर आप शायद वर्क परमिट का देख रहे हैं या नौकरी के लिए जाना चाहते हो और आपको सही दिशा नहीं मिल रही है, तो आपके लिए एक अच्छा सोल्यूशन इस वीडियो में होने वाला है। आर के पुरम में ओपन हो गया हरियाणा इंटरनेशनल स्टडी कंसल्टेंट, जिसे महज कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन जो यहाँ के ऑनर है उनका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। काफ़ी सारे लोगों को, क्लाइंट्स को पहले भी वो जो है फॉरन भेज चुके हैं, जिनको अच्छा खासा वर्क परमिट मिला हुआ है और अच्छी खासी सैलरीज, अच्छी खासी अर्निंग वो वहाँ से कर रहे हैं। अभी फिलहाल यहाँ से मैम काउंसलर मैम हमारे साथ है, उनसे जाना चाहेंगे किस तरीके से पूरा प्रोसीजर उनका रहता है, कितने लोगों को वो अब तक भेज चुके हैं। और साथ ही साथ एक और बात मैं बताना चाहूँगी, जब बात आती है विदेश जाने की, तो सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो होती है जेब खर्च की, कि उतना पैसा हमारे पास है या नहीं। तो अभी सबसे अच्छी बात जो यहाँ से निकल के आती है वो ये है कि अगर आप मलेशिया, पोर्टुगल, रोमानिया या US जैसी कंट्रीज़ में सेटल होना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो एक अच्छे बजट में, कम पैसों में ये लोग आपको बाहर भेज सकते हैं। मैम क्या कुछ आप हरियाणा इंटरनेशनल स्टडी कंसल्टेंट के बारे में बताना चाहेंगे? मैम हम कम खर्च में जो मतलब कम पैसों में हम वीज़ा लगवाते हैं बच्चों लोगों का, वर्क वीज़ा लगवाते हैं और टूरिस्ट वीज़ा भी लगवाते हैं। और इसमें हम जैसे मतलब जो गरीब होते हैं वो अपने नहीं कितना अफोर्ड कर पाते हैं, तो उनके लिए हम ये सबसे अच्छी वैकेंसी है कि जो मलेशिया बाहर वर्क करने के लिए जाना चाहता है वो जा सकता है यहाँ पर। इसलिए हमने सर ये न्यू ऑफिस खोला है ताकि जो नहीं कर पाता अफोर्ड वो जा सकता है। और यहाँ पर यूरोप कंट्रीज़ के लिए हम ज़्यादातर वीज़ा लगवाते हैं, वर्क वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा भी लगवाते हैं। तो मतलब आप लोगों के पास बेसिकली दो तरीके के वीज़े के लिए अप्लाई जो करने के लिए क्लाइंट्स हैं वो आ सकते हैं, या तो वर्क परमिट के लिए आप लोग आ सकते हैं या फिर टूरिस्ट वीज़ा के लिए आप लोग आ सकते हैं। और कितने टाइम से आप लोग सर्विसेज दे रहे हैं या कितने क्लाइंट्स आपके पास आते हैं और कौन कौन सी कंट्रीज़ आप भेजते हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। इसलिए हम यूरोप कंट्रीज़ के अभी तक वर्क परमिट लगवाते हैं अभी तक, और मलेशिया अभी हो गया, वैसे मलेशिया, यूरोप और रोमानिया, पुर्तगाल, क्रोशिया, स्कैबिया, ये मैम इसके कंट्रीज़ के हम लगवाते हैं वर्क वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा भी लगवाते हैं मैम, दुबई और साइड के वीज़ा लगवाते हैं हम। तो अगर आप इनमें से किसी कंट्री में सेटल होना चाहते हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, आप यहाँ पे पहुँच सकते हो। सर हमारे साथ है जो इससे पहले भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस जो है वीज़ा कंसल्टेंसी के साथ रखते हैं। सर आप क्या कुछ बताना चाहेंगे अपनी सर्विसेज के बारे में हमारे व्यूअर्स को? हाँ जी मैम, मैम हमारी जो है वो मलेशिया के लिए वर्क परमिट करवाती है और रोमानिया के लिए, सर्बिया के लिए, तो इन कंट्रियों के लिए मैम वीज़ा अप्लाई कराती है। तो यहाँ पे जेन्युइन काम होता है मैम और 100% गारंटी के साथ कम खर्चे में यहाँ पे वर्क परमिट लगवाए जाते हैं मैम। और जिस जॉब की आप बात कर रहे हैं, आप बता रहे थे कि लेबर में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो हैं वो आपके पास होती है, तो किस तरीके की जॉब प्रोफाइल्स रहती हैं अलग अलग? मैम ये मलेशिया में है, रोमानिया में है मैम, एग्रीकल्चर कंपनियों में जो प्रोवाइड कराती है जी, तो इसमें लेबर में एग्रीकल्चर का काम रहता है मैम। जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनियों में भी रोमानिया में काफ़ी वैकेंसी आई है मैम के पास, जैसे प्लम्बर हो गया, फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया और कारपेंटर है, काफ़ी ट्रेडों में मैम के पास वैकेंसी आती रहती है। तो जैसे ही मैम के पास जो भी वैकेंसी आती है उसी ट्रेड में हम वीज़ा प्रोवाइड करवा देते हैं मैम। और मुझे लगता है कि वीज़ा जल्दी भी आ जाता होगा, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि डायरेक्ट लिंक्स हैं इनके जो बाहर की कंपनीज़ है, उस लिंक्स के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे और क्या कुछ रिकॉर्ड रहता है आप लोगों का, वीज़ा कितनी जल्दी आ सकता है, क्या कुछ उसके बारे में बताना? ये हमारा 3 मंथ का प्रोसेस रहता है मैम, 3 मंथ के अंदर अंदर जो हमारी ईशा गुप्ता मैम है ये वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, तो 3 मंथ के अंदर अंदर ऑनलाइन काम रहता है ये सारा, तो 3 मंथ के अंदर अंदर वर्क परमिट आ जाता है जी। तो मतलब अगर आपको बाहर सेटल होना है, महज 3 महीने के अंदर अंदर आपको वर्क परमिट वीज़ा बहुत इजीली मिल सकता है। सिर्फ वर्क परमिट ही नहीं, टूरिस्ट वीज़ा चाहते हैं वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और बहुत सारी वैकेंसीज, बहुत सारी जॉब्स हैं, डायरेक्ट इन लोगों के लिंक्स हैं। और मैं देख पा रही हूँ कि अभी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है यहाँ पे ऑफिस को ओपन हुए, लेकिन काफ़ी सारे लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्लाइंट्स यहाँ पहुँचे हुए हैं सर्विसेज लेने के लिए। क्या बताना चाहेंगे, कौन सी कंट्री में आप जाना चाहते हैं, किस सर्विस के लिए आप यहाँ पहुँचे? मैम रोमानिया में जाना चाहता हूँ और एग्रीकल्चर वर्क के लिए। तो कैसा लग रहा है आपका एक्सपीरियंस अभी तक, कैसा है? मतलब इतनी सारी कंसल्टेंसी से लेकिन आपने इसको चूज क्यों किया? मैम इनको पता लगा था, मैम की वीडियो वगैरह देखी है, तो यहाँ पे कम खर्चे मतलब वर्क वीजा परमिट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आए हैं। तो सबसे मेन रीज़न यही है कि पैसा बहुत ज़्यादा लगता है अगर आपको विदेश सेटल होना हो तो, लेकिन वो सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है कम खर्चे के अंदर, एक बजट के अंदर। आपको कंट्रीज़ में, बड़ी कंट्रीज़, बहुत सारे ऑप्शंस इनके पास हैं, आप चूज़ कर सकते हैं और बहुत सारी जॉब वैकेंसीज यहाँ पे, और 3 महीने के अंदर अंदर आप लोगों का वीज़ा आ जाएगा। टूरिस्ट वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या बताना चाहेंगे, आप कौन सी कंट्री जाना चाहते हैं? मलेशिया। मलेशिया, और क्या कुछ एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं? हालांकि मुझे लगता है बहुत सारे ऑप्शंस दिए होंगे, लेबर में भी बहुत सारी जॉब प्रोफाइल्स है जो अवेलेबल हैं,
आपने ये चूज़ किया होगा लेकिन ऑप्शंस काफ़ी होंगे चूज़ करने के लिए, हो तो मुझे लगता है कि लोग पहुंच सकते हैं अलग अलग सेक्टर्स में अगर वो जॉब करना चाहते हैं तो पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं कि जो कस्टमर्स हैं, अभी उतना टाइम नहीं हुआ लेकिन काफ़ी सारे कस्टमर्स यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और उनके रिव्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव लग रहे हैं। अगर आप भी जो है वर्क परमिट पे बाहर जाना चाहते हैं, वीज़ा आपको समझ में नहीं आ रहा, उतना बजट आपका नहीं बन पा रहा है, महज 3 महीने के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा टाइम ये लोग नहीं लेने वाले हैं, आपका वर्क परमिट वीज़ा आ जाएगा। आप कंट्रीज़ चूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, मलेशिया है, दुबई है, बेसिकली यूरोपियन कंट्री आप किसी भी जाना चाहते हो, यूरोप जाने का स्कोप भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वो आपके लिए एक अच्छा बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। आपको पहुँचना है हरियाणा इंटरनेशनल स्टडी कंसल्टेंट, जो कि आपको आरकेपुरम गली नंबर 1 रॉयल गेस्ट हाउस के ऑपोजिट मिल जाएगा, फर्स्ट फ्लोर पे। आपको बस यहाँ पे पहुँचना है, यहाँ पे काउंसलर आपको मिलने वाली है, ओनर आपको मिलने वाले हैं, आप डिस्कस करिए। 3 महीने के अंदर अंदर हो सकता है आपका भी वीज़ा आ जाए और आपका जो सपना है बाहर सेटल होने का, शायद अपनी फैमिली को बाहर सेटल करने का या एक अच्छा खासा सैलरी कमाने का, वो आपका यहाँ पे पूरा हो सकता है। आप पहुँच सकते हैं वर्क परमिट के लिए, टूरिस्ट वीज़ा के लिए, बस आपको यहाँ पे पहुँचना है जल्दी से जल्दी।